नेक्स्ट जीएस में हम लोग 2 दिन, दो वीडियो, लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने क्लोन बना के देखा था। उसमें एपीआई यूज किया था, कंपाइलर बनाना सीखा था, अलग अलग पेज बनाना भी सीखा था जिसमें हम लोग कोड भी शादी का क्लोन बना लेते हैं। लेकिन आज हम वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, जहाँ पे किया था वहां से शुरू करते हैं। तो डिस्क्राइबिंग द यूआई के टॉपिक्स में हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर किया है। एक टॉपिक रह गया था, वो था प्योर कंपोनेंट के बारे में। देखो देखो, सम जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो प्योर हो जाता है, कुछ कुछ प्योर होता है। प्योर फंक्शन ओनली परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड नथिंग मोर, यानी प्योर फंक्शन जो है वो एक कैलकुलेशन करता है, उसके ज्यादा अलावा कुछ नहीं करता, उसी को हम प्योर फंक्शन कहते हैं। वो वर्चुअल फंक्शन जो प्योर वाला होता है उससे कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली है कि हम लोग जो कंपोनेंट लिख रहे हैं वो प्योर रखने के लिए, उसमें इंटायर क्लास के अंदर में, बग्स के अंदर में, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को थोड़ा बचाते हैं, इन सब के लिए हम प्योर कंपोनेंट बनाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझना। और हम जब इसको टॉपिक को मूव करेंगे तो हम लोग प्योरिटी कैसे बनाए रखें उसका एक फॉर्मूला है। तो अपना कंपोनेंट में ऐसा डिजाइन कीजिए कि जो काम के लिए बनाया गया है वो काम ही सिर्फ करे। दूसरा ये कि जो इनपुट हम कर रहे हैं और आउटपुट जो हम कर रहे हैं वो सेम सेम हो, यानी इनपुट सही हो और आउटपुट भी सही हो। बस ये 2 चीजों को माइंड में जो रखेगा उसका कंपोनेंट प्योर हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक फैमिलियर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मूला जो मैथ है, कंसिडर करो कि मैथ का फॉर्मूला है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है और वाई इज इक्वल टू 4 है। तो बेसिकली है ना, ये इस तरह से वैल्यू आएगा और कैलकुलेशन करके हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसे डबल निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक नंबर डाला और उसको क्या किया, उसको दोगुना कर दिया, स्क्वायर निकलना है बेसिकली। तो दोगुना हो गया, स्क्वायर नहीं निकला, सॉरी, ये डबल हो रहा है। बस ये जो नंबर डालेंगे उसको 2 से गुना करके रिटर्न कर दिया। तो ये जो फंक्शन है ये आपका प्योर फंक्शन है, मतलब ये अपना काम से काम रख रहा है, इसका इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, ये प्योर फंक्शन के अंदर कैटेगरी में आता है। ऐसे ही हम लोग कंपोनेंट भी जब बनाते हैं तो उसको प्योर कंसिडर करना पड़ता है। इसको हम लोग बहुत डीप में जाएंगे आगे, एक टॉपिक में पढ़ेंगे, बट हम लोग अभी जो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं वो सुनो क्या है। ये यूआई एज ए ट्री, यानी बेसिकली जो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसका एक यूआई बन जाता है। मान लो कंपोनेंट ए बनाए, कंपोनेंट बी बनाए और कंपोनेंट सी बनाए, वो सब कंपोनेंट्स रिएक्ट को हम समा दिए कि ए के अंदर बी होगा और ए के अंदर सी होगा। तो हायरार्की बन गया, ए पेरेंट हो गया और बी और सी जो है चाइल्ड बन गया। तो रिएक्ट डॉम क्या करता है, उसको डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो रिएक्ट का भी डॉम होता है। तो रिएक्ट डॉम क्या करेगा, उस ए का नोड को पकड़ेगा, ये रूट नोड को पकड़ेगा और उस जगह पे सेट कर देगा जहां पे आप उसको सेट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि हेड है, ये एचटीएमएल हो गया, ये आपका, ये मान लो डिव हो गया और इसके अंदर में ए को डालना चाहते हैं तो डाल दिए, तो ए के नीचे जो नोड्स बनाए हुए थे वो अपने आप ही आ गए। तो ये बेसिकली एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम डोम डॉम एज ए ट्री कह सकते हो या यूआई एज ए ट्री कह सकते हो। ये एकदम सिंपल है कि आप किसके अंदर कौन बना रहे हैं उसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट देखिए, यहाँ पे एक ऐप नाम का कॉम्पोनेंट है जो आपका मेन कॉम्पोनेंट होता है, आपको पता है। उसके अंदर में फैंसी टेक्स्ट है, उसके अंदर, उसके बगल में क्या है, इंस्पिरेशन जनरेटर है, उसके अंदर क्या है चाइल्ड। तो आपका जो रूट नोड बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐप के अंदर फैंसी टेक्स्ट, इंस्पिरेशन जनरेटर और उसके अंदर कॉपीराइट, ऐसे ही होगा। देखिए इसका जो डॉम स्ट्रक्चर वो ऐसा बन रहा है, ऐप के अंदर फैंसी टेक्स्ट है, ऐप के अंदर वो है इंस्पिरेशन जनरेटर, उसके अंदर में फैंसी टेक्स्ट, उसका कॉपीराइट। तो ये बेसिकली इसी तरह से ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है और आप माइंड में डाल सकते हो कि ट्री स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन पेज होता है, पेज डॉट जेएस इसको कहते हैं लोग, वो आपका रूट कंपोनेंट होता है। वहां से आपका डिस्प्ले हो जाएगा, फाइनल वही है, उसके ऊपर किसी को नहीं रखते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रूट कंपोनेंट कहलाएगा नेक्स्ट जेएस के पार्ट में। लेकिन अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो वहां पे एक ऐप कॉम्पोनेंट होता है जो उसका रूट कॉम्पोनेंट होता है, यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में वो पेज डॉट जेएस नाम से होता है। दोनों जगह अलग अलग नाम है, बस सिंपल सी ये चीज समझ लेते हैं। अगर अब हम दूसरे मॉड्यूल में आते हैं जिसका नाम है एडिंग इंट्रैक्टिविटी। इंट्रैक्टिविटी का मतलब बस इतना समझ ले कि कोई इवेंट क्लिक करने से ये हो जाए, वो हो जाए, ये बढ़ जाए, वो घट जाए, इस तरह से इंट्रैक्टिविटी के अंदर चीजें आती हैं। तो हम मोटे मोटे तौर पे समझ लें कि समथिंग है ना, लिखा हुआ है समथिंग ऑन द स्क्रीन अपडेट इन द रिस्पॉन्स टू द यूजर इनपुट। यूजर जब रिस्पॉन्स करेगा उससे कुछ ना कुछ पेजेस में बदलाव आना इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिक कर रहे हैं इमेज के गैलरी पे और स्विच कर रहे हैं एक्टिव इमेज को, मान लो 3 4 इमेज है लेकिन तुम्हें ना गैलरी पे क्लिक किए तो इमेज चेंज होकर दूसरा इमेज आ जाए, ये इंट्रैक्टिविटी है। हम लोग ना आराम से इसको इवेंट से कर सकते हैं, कीबोर्ड के माउस के बटन से कर सकते हैं, कीबोर्ड के बटन से कर सकते हैं, या किसी चीज को ना इवेंट कराने के बाद कर सकते हैं। ये सारी चीजें रिएक्ट में इंट्रैक्टिविटी कंसिडर होती है, यानी इवेंट्स कह सकते हैं। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स, तो अगर हम बनाना चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ फंक्शन बनाना चाहते हैं, देखो तुम लोग के सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, हम भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुमको ये सिखा सके कि इंट्रैक्टिविटी कैसे काम करता है। तो
इसके लिए हम यूज करेंगे कोड भी सारी जो मेरा प्रोजेक्ट क्लोन वाला था उसी को यूज कर लेते। तो अगर मैं लाख कॉम्पोनेंट बनाऊं, अगर इसको इंपोर्ट ही नहीं करूं, यहाँ पे ट्री में कनेक्ट नहीं करूं, या तो रियल डॉम नहीं करूं, तो क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये लॉगिन का पेज है, सॉरी मैं इस मेन पेज पे काम करता हूँ। मेन पेज मेरा ये है, इसमें जितना कुछ दिख रहा है वो हटा देंगे अगर हम यहाँ से, तो कुछ भी हमको नहीं दिखने वाला। ये देखो इम्पोर्ट कर लें, हटा दें तो लाख कॉम्पोनेंट बने, लेकिन अगर आपने उसको इम्पोर्ट नहीं किया है अपने ऐप यानी रूट डॉक्यूमेंट पे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये मामला आ गया कि हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक इंटरेक्टिविटी बना के दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आज का टॉपिक, आज जो हम लोग बनाने वाले हैं इसका नाम रखते हैं इवेंट कंटेनर। ठीक है, तो मैं ऐसा कंपनी बनाऊंगा, अभी बना हुआ नहीं है, बनाऊंगा इसी कंपनी में बना देता हूँ, इवेंट डैश कंटेनर डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी, हिंट आ जाए। इनिशियलाइजेशन चल रहा है यहाँ पे, देखिए इसलिए मुझे हिंट नहीं मिल रहा, तो मैं अब मिल गया। अब इवेंट कंटेनर ये माइंड में रखते हैं नाम। अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर में दो बटन बनाते हैं, ध्यान से देखना। एक बटन बना रहे हैं बटन टैग से बनाते हैं, ठीक है बटन टैग, और इसमें लिखते हैं क्लिक टू प्ले, और दूसरा लिखते हैं क्लिक टू पॉज, दो बटन बनाते हैं। अब ये दोनों बटन को इवेंट कंटेनर में डालने के बाद हम लोग लेके आ जाते हैं पेज डॉट जेएस के पास, और इम्पोर्ट नहीं किया हुआ इसलिए दोबारा एक वर्ड अक्षर मिटाते हैं और इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो नीचे कंपोनेंट आ गया, इम्पोर्ट ऊपर हो गया। अब हम इसका आउटपुट देखना चाहेंगे, तो जिसके लिए npm रन देव। अब देखो इंटरेक्टिविटी अगर आपको यूज करना है, देखो सारे कंपोनेंट को भूल के रखो, जो अभी हम बनाए थे वही याद रखो, यानी कौन सा इवेंट कंटेनर। तो ये इवेंट कंटेनर आपके सामने दिख रहा है मोटे मोटे तौर पे, क्लोज करते हैं सब कुछ। ये जो इवेंट कंटेनर दिख रहा है इसमें आपको दो बटन दिख रहा है, राइट। तो जब आप इसमें कोई इवेंट लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें इवेंट लगाना चाहते हैं, तो देखेंगे ऑन क्लिक, क्लिक करने के बाद इवेंट, तो उसमें एक एरो फंक्शन बना के डाल सकते हैं, ये एरो फंक्शन हो गया। और उसका बॉडी अगर एक लाइन का तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली अलर्ट फंक्शन लगाते हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखा है। तो हम लिख देते हैं प्लेइंग, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक और इवेंट चाहते हैं ऑन क्लिक पे, देखो ध्यान से अलर्ट पाउस। ठीक है, तो ये बेसिकली दो अलग अलग क्या कर दिया, हम एरो फंक्शन बनाए हैं और डाल दिए। तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैं पहले आउटपुट दिखा दूंगा तो उसके बाद समझ में आएगा। देखिए मैं जब आउटपुट देखने जाऊंगा तो मुझे आएगा एक एरर, सब लोग देखिए उस एरर से कैसे बचना है। ये आपका प्रोजेक्ट रन होगा और आपको आएगा एक एरर सामने में, आपको एरर दिखेगा। देखिए ये जो इवेंट है ऑन क्लिक होने के बाद जो अलर्ट आता है, ये क्लाइंट साइड में आता है या सर्वर साइड में आता है? क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर पे आता है, यानी ये किसका पार्ट है? बॉम का पार्ट है, ब्राउजर का पार्ट है, बॉम का पार्ट है इवेंट, बॉम का पार्ट है आपका ये अलर्ट, प्रॉम्प्ट है, कंफर्म, ये सब किसका पार्ट है? सब कुछ बॉम का पार्ट है। तो बेसिकली हम लोग ना क्लाइंट साइड में रखेंगे। देखिए हम आपको कल लास्ट क्लास में बताए थे कि कोई भी कॉम्पोनेंट जो हम लोग बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सर्वर कॉम्पोनेंट होता है। तो सर्वर कॉम्पोनेंट में ये काम नहीं करेगा, मैं आपको एरर दिखाता हूँ, नहीं करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू द, ठीक है ना, तो जो आपने कॉम्पोनेंट बनाया है उसको कन्वर्ट करना है, कंसिडर कन्वर्टिंग द पार्ट ऑफ दिस क्लाइंट कॉम्पोनेंट, क्लाइंट कॉम्पोनेंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं कन्वर्ट? बहुत सिंपल है, एक लाइन में ऊपर लिखेंगे यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट कैसे लिखेंगे देखो क्या होगा। आगे दो बटन, अभी दोनों बटन का डिजाइन अच्छा नहीं है, तो हम दोनों बटन को अच्छा डिजाइन करने के लिए दोनों में क्लास नेम लगाते हैं, लगा सकते हैं ना, bg डैश रेड, टेक्स्ट डैश वाइट, px3 py2 राउंडेड डैश lg। ठीक है, और इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा गैप वैप, तो क्लास नेम फ्लिक्स गैप, चेक कीजिए ये दो बटन अलग अलग है। इस पर क्लिक करने से देखो वो अलर्ट आ रहा है, और इसको क्लिक करने से इसका अलर्ट आ रहा है, यानी दोनों के ऊपर हम लोग इवेंट लगा सकते हैं। इवेंट लगाने के लिए बटन होना जरूरी नहीं है, आप किसी बॉक्स में भी लगा सकते हैं, ऑन क्लिक आप सब जगह लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से अलग सिर्फ इतना सा बात में है कि ऑन क्लिक में वहां सी स्मॉल होता है, यहाँ पे कैपिटल होता है।
बस इतना ही अंतर है और बाकी अंतर नहीं। और दूसरी बात ये बता दें कि अगर आप दोनों को अलग अलग फंक्शन बना के डालना चाहते हैं यहाँ पे ऊपर में, आपका फंक्शन बड़ा हो गया तो इसका नाम रखते हैं हैंडल प्ले, और ये एक एरो फंक्शन जैसे पहले था अलर्ट प्लेइंग। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखो कॉन्स्ट, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा था, तो ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, ये लोकल फंक्शन हो जाएगा यानी इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। और ये देखो हैंडल पाउस, हैंडल पाउस नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हम लोग बनाए, हैंडल हैंडल प्ले हैंडल पाउस, तो हमको यहाँ पे ऐसे एरो फंक्शन बनाने की अब जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे इसको देखो, सिंपली आप इसका नाम लिखिएगा हैंडल प्ले, हो गया, और इसका नाम रखिएगा हैंडल पाउस। देखिए इसका नाम में स्पेलिंग में गलती है क्या, पाउज, इसलिए अंडरलाइन पीला नहीं हुआ। तो देखो जो फंक्शन ऊपर बनाए वो भी काम कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे काम करेगा, क्लिक करके देखते हैं काम कर रहा है, यानी बाहर भी फंक्शन बना के हम लोग यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑन क्लिक पे भी फंक्शन बना के यूज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि हम लोग ये फंक्शंस का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ने यहाँ कहा है कि मैं रिएक्ट में इवेंट हैंडलिंग को सीखता हूँ, जेएसएक्स में कैसे काम करता है। तो जेएसएक्स में पहले बात तो कि ऑन क्लिक में सी कैपिटल हो जाएगा, ऑन मूव में एम कैपिटल हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग एर ओन फंक्शन दैट बी ट्रिगर इन द रिस्पॉन्स टू इंटरेक्टिव लाइक क्लिकिंग होवरिंग फोकसिंग और फॉर्म इनपुट एंड सो ऑन। किसी भी तरह का जो इवेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग एक इवेंट हैंडलर को चला सकते हैं। एक्चुअल में इवेंट हैंडलर कहते हैं उसको, उस फंक्शन को जो इवेंट के होने के बाद चलता है, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलर। तो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, उसका एक नाम हो जाता है इवेंट हैंडलर, यानी ये फंक्शन कब चलेगा, जब इवेंट होगा तब, तो वो इवेंट हैंडलर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्टिंग कॉम्पोनेंट लाइक बटन, पहले से बना हुआ कॉम्पोनेंट होता है ना एचटीएमएल में, होता है बटन टाइप, वो बटन ऑनली सपोर्ट बिल्टिन ब्राउजर इवेंट, यानी जो बिल्टिन हमारा जो फंक्शन होता है वो बिल्टिन सॉरी कॉम्पोनेंट होता है जैसे बटन, वो सिर्फ सपोर्ट किसको करेगा, ऑन क्लिक वगैरह को करेगा, ऑन क्लिक को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड यही है। हाउ एवर यू कैन क्रिएट योर ओन कॉम्पोनेंट, तुम अपना कॉम्पोनेंट भी बना सकते हो एंड गिव द इवेंट हैंडलर प्रॉप्स एनी एप्लीकेशन स्पेसिफाइड बाय द नेम ऑफ लाइक दिस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ऑन मूवी प्ले, ऑन अपलोड इमेज, ऐसे भी इवेंट बना सकते हो, लेकिन फायदा क्या होगा, जो भी आप पास कर रहे हो टूल बार में पास हो रहा है, एज ए प्रॉप्स पास हो रहा है, प्रॉप्स पास हो रहा है इसका मतलब टूल बार नीचे बना हुआ है, और देखो यह दोनों जगह पे वैल्यू आया, जो वैल्यू आया उसमें अलग अलग जगह पास हो गया। चलिए हम भी करके दिखाते हैं। देखिए ये जो बटन हम लोग यहाँ पे बना के रखे हुए हैं इसको हम लोग अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये दोनों वेरिएबल्स मेरे पास इसमें नहीं है, तो मतलब हम क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए एक अलग फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, और फंक्शन का नाम रखते हैं टूल बार, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और इसमें दो प्रॉप्स पास करते हैं, इसका नाम हैंडल प्ले मूवी कॉमा हैंडल, कुछ और नाम भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, हैंडल पाउस मूवी। ठीक है, एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम अपना सारा काम कर सकते हैं, रिटर्न हम सब जानते हैं क्या करना है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो बॉडी का जो इसका पार्ट है, ये हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पास कर देते हैं, पास कर दिया। अब मेरे जो अंदर फंक्शन चलेगा वो हैंडल मूवी प्ले चलेगा, मतलब जो पैरामीटर से आ रहा है वो चलेगा, और यहाँ पे पाउस होता चलेगा, लेकिन देखो दो नोड हो गया तो इसलिए एरर आ रहा है, तो क्या करना होगा, फ्रेगमेंटेशन, हाँ ये आप हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब मेरा जो ये दोनों फंक्शन है एक्चुअली में यहाँ से पास होगा, कहाँ पास होगा, टूल बार में पास होगा, है यही टूल बार, और इसमें लिखते हैं हैंडल मूवी प्ले, इसमें क्या पास होगा, हैंडल प्ले फंक्शन जो मेरा बना हुआ है, और हैंडल पाउस में क्या पास होगा, तो मेरा ये वाला फंक्शन हैंडल पाउस सेल्फ कॉल। क्या हुआ, हम लोग ने टूल बार नाम का जो ये बनाया है, टूल बार नाम का कॉमन बनाया, उसमें अपने मर्जी का इवेंट का नाम रखा है और उसमें फंक्शन पास कर दिया, वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं और बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे लगा रहे हैं, मतलब फाइनल इंड में तो वही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं और ये भी काम वैसे ही करेगा, आउटपुट देखने में सेम, देखिए आउटपुट वर्किंग सेम सेम। तो आप अपने नाम से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड नाम है उसको भी यूज कर सकते हो, इवेंट लगा सकते हो, और देखिए यहाँ पे भी यही सब हो रहा है, यहाँ पे भी यही सब काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए नीचे स्टेट एज अ कॉम्पोनेंट्स मेमोरी, इसके बारे में सुन लीजिए,
हम लोग है ना जो भी रिएक्ट का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, रिएक्ट का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं उसे कहते हैं हुक। उसे क्या कहते हैं? हुक। हुक होता क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉम्पोनेंट्स ऑफन नीड टू चेंज दैट ऑन द स्क्रीन एज अ रिजल्ट ऑन एन इंटरेक्टिव टाइपिंग इन टू द टाइपिंग टाइपिंग इन टू द फॉर्म शुड बी अपडेटेड दैट द इनपुट फील्ड क्लिकिंग द नेक्स्ट बटन इमेज कैरोसेल और शुड चेंज विच इमेज इज डिस्प्लेड। बाय का बटन हो प्रोडक्ट के ऊपर शॉपिंग में या फिर रिमाइंडर का बटन हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको कंपोनेंट को याद रखना पड़ता है। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे, हर कंपोनेंट को कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिसको याद रखना होगा। जैसे हम क्लिक करें नेक्स्ट बटन नेक्स्ट बटन नेक्स्ट बटन स्लाइडर में, इमेज स्लाइडर में, तो हम कितने नंबर के इमेज पे हैं ये उसको याद रखना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा मेमोरी होना चाहिए जो उसको याद रखे। इसी तरीके से अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो कौन कौन सा प्रोडक्ट हम स्टोर किए हुए याद रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लॉगिन के टाइम में रिमेम्बर मी पे टिक मारे तो उसको याद रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें को याद रखने के लिए आपको क्या चाहिए? वेरिएबल। लेकिन हम डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते वो आपको दिखाते हैं, देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल में डिटेल आर्टिकल में दिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए अगर हम ऐसे डायरेक्ट वेरिएबल बनाते हैं जैसे लेट इंडेक्सिंग करते हैं, तो हम आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर ये इवेंट का काम खत्म हो गया। मैंने जो इवेंट बताया था मैंने बता दिया, इसमें डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। और जो पेज डॉट जेएस में इसको एक्सपोर्ट किए थे उसको भी हटा देते हैं। इसी जगह पे हम लोग स्टेट को सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं काउंटर डॉट जे एस एक्स। नाम कुछ भी रख सकते थे, कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। RAFC देखो काउंटर। हम लोग क्या चाहते हैं इस कॉम्पोनेंट में, इसको पहले हम पेज में यहां बुला लेते हैं, ठीक है। काउंटर को बुला लेते हैं, काउंटर काउंटर, ठीक है। कॉम्पोनेंट से आ गया, यहाँ पेज में डाल दिया, तो क्या हुआ काउंटर ये वाला काम कर रहा है। यहाँ से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काउंटर कॉम्पोनेंट आपका रेंडर हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, देखिए काउंटर लिखा हुआ आ रहा है ना, आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ इमेज बनाए। ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ फोटोज है, जैसे 1 से लेकर 12 तक का फोटो है। ऐसे हम भी कुछ वैसा बनाना चाहते हैं कि मेरा एक फोटो हो और वो फोटो एक एक करके हम दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, हम लोग है ना एक इस तरह का ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बनाते हैं और उसके अंदर डेटा डालते हैं और सब में फोटो लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है, पॉसिबल तरीका क्या है। तो हमें ना यहाँ पर बेसिकली काउंटर की जैसा ही कंपोनेंट के अंदर या बाहर डाटा डॉट जे एस नाम का फाइल बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट और उसका नाम रखते हैं डाटा, या ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट डाटा, ठीक है। हर स्टूडेंट का नाम, पहले आईडी, यूनिक आईडी, नाम, नेम, मान लो कोर्स का नाम है पाइथन, कोर्स का नाम, स्टूडेंट छोड़ दो, स्टूडेंट की जगह नाम कर देते कोर्स का नाम। कोर्स क्यों दिमाग में आया मेरे, क्योंकि मेरे जो वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्स है उसी को यूज कर लेंगे। कोर्स डाटा, ठीक है, ओके। चाहिए कोर्स डेटा पाइथन, मान लो ये सब नाम है पाइथन। इसके बाद ड्यूरेशन, मान लो इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स एग्जाम्पल के तौर पर, और इमेज है इसका, और इमेज का पाथ हम लिख जाते हैं अपने वेबसाइट से, codevsaarik.com पे चले जाएंगे एडमिन में नहीं बाहर में। और जो पाइथन का जो इमेज है, या नीचे में आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई पाइथन का इमेज है, ये पहला वाला, राइट क्लिक करेंगे ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गया URL, हो गया मेरा URL। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीख जाएंगे। तो इसका आईडी कितना रखेंगे 2, और इसमें रखते हैं लारावेल, वीक रख लेते हैं मान लो 6, और URL चेंज कर देंगे, और ये आ गया तीसरा आईडी, 3 आईडी, और इसका नाम रख लेते हैं जावा, ठीक है, स्क्रिप्ट, और ये हो गया 4 वीक, ठीक है। मान लेते हैं इमेज सबको बदल लेते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का इमेज, ये लर्न जावा स्क्रिप्ट है, इसका इमेज का URL कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको कट कर लेंगे यहाँ से और लेकर आएंगे अपने कोड में और यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और ये जो लारावेल दिख रहा है आपको, इस जगह पर हम लोग डाल देंगे लारावेल को, कहीं पे है, हाँ ये रहा, तो ये यहाँ पे लारावेल, सिंपल आसान तरीके। तो हम लोग लारावेल को डाल देंगे यहाँ पे, चेंज कर दीजिए। तो तीनों मेरे पास डेटा एज ए डेटा आ गया, और हम एक्सपोर्ट किए तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
ये जो मेरा काउंटर नाम का मैंने नाम रखा है, इसका नाम चेंज कर देते हैं। मेरा मन में आया कि गैलरी कर देते हैं, या कोर्स कोर्स कार्ड कर देते हैं, या कोर्स स्लाइडर कर देते हैं। हाँ ठीक रहेगा, कोर्स स्लाइडर। तो कोर्स स्लाइडर नाम रख दिया, डाटा को उसमें यूज करेंगे। कोर्स स्लाइडर नाम है तो इस जगह पे चेंज हो जाएगा, कोर्स स्लाइडर। देखिए कहाँ कहाँ चेंज करना है, ये इंपोर्ट की जरूरत सच में नहीं होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे कोर्स स्लाइडर, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग ये जो जगह पे पेज में बुलाए थे, तो ये अब काउंटर तो नहीं आ रहा है, अब तो कोर्स स्लाइडर आ रहा है, तो रिमूव कर दो, दोबारा से लिखो कोर्स स्लाइडर। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली कोर्स स्लाइडर आ रहा है। तो कोर्स स्लाइडर अभी तक मैं कुछ आउटपुट चेंज नहीं किया होगा, जो दिख रहा था वही दिख रहा होगा। रिफ्रेश करके चेक करो, बाकी सब जो टैब से हटा देते हैं इसको। देखो काउंटर दिख रहा था, काउंटर दिख रहा है। बट हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज बनाए, ऐसा डिप बनाए, जैसे देखो ऐसा डिप बनाए जो हमको कुछ डिजाइन कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहते हैं कि ये टाइटल देख कोर्स स्लाइडर है, उसके बाद हम उसके नीचे इमेज दिखाएं IMG से SRC SRC। ठीक है, और इसका बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल बना लें, यहाँ देखो सब लोग इंडेक्स नंबर। तो एरे है तो पहला इंडेक्स कौन होगा, जीरो होगा। और हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि मेरा पहला डेटा यहाँ दिखे। ठीक है, तुमने नोटिस करना है इस एग्जाम्पल को जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे भी डाटा है। यहाँ पे ऐप में देखोगे तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे डाला गया है, एक फंक्शन बनाया गया है क्लिक करने पर, जिसमें इंडेक्स को इंक्रीज करा जाए। ठीक है, और वो जो फंक्शन है ऑन क्लिक के ऊपर नेक्स्ट बटन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसके नीचे तुम देखोगे तो उसका नाम, उसका स्टूडेंट का नाम और उसका इंफॉर्मेशन और इमेज, ये सब डाला गया। हम भी एग्जैक्टली यही करने जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इस तरह से, देखिएगा सब लोग। हम लोग यहाँ डाल रहे हैं कोर्स और इज इक्वल टू कोर्स डेटा, जो कि मेरा डाटा वाला इसमें है, और इसमें इंडेक्स नंबर डाल देते हैं। तो जीरो नंबर इंडेक्स डेटा यानी पहला डेटा आएगा, और पहला डेटा किस में आ गया, कोर्स में आ गया। तो हमको यहाँ पे इमेज में दिखाना है कोर्स, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं कोर्स डॉट इमेज। ALT रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम ALT भी डाल देते हैं, कोर्स डॉट नेम हो गया। अब हमको इसके जस्ट नीचे इसका नाम चाहिए, क्या है कोर्स का नाम, तो यहाँ पे दिखाना है कोर्स नेम, कोर्स नेम कॉलन कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं कोर्स डॉट नेम, और उसके जस्ट नीचे चाहिए ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हो गया मेरा कोर्स डॉट ड्यूरेशन। और कुछ है नहीं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए। अगर मैं पहला डेटा देखूंगा तो पहला डेटा मुझे दिख रहा है, इमेज आ रहा है मेरा, नीचे नाम आ रहा है, ड्यूरेशन भी आ रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं, इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इसके लिए क्लास नेम लगाते हैं इसमें, WS48 डाल देते हैं, ताकि मेरा इमेज का साइज कम से कम कंट्रोल में आ जाए। रिफ्रेश कर लेते हैं कंपोनेंट को, देखो छोटा हो गया, वीक भी दिख रहा है, डेट भी दिख रहा है, और यहाँ पे हम एक नेक्स्ट बटन देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन देने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक बटन टैग, ध्यान से देखिएगा, ऑन क्लिक। अभी तो हमने सीखा ऑन क्लिक, और इसका नाम रखते हैं हैंडल नेक्स्ट, और यहाँ पर हम एक फंक्शन डाल देते हैं कॉन्स्ट हैंडल, ये क्या कहलाता है, इवेंट हैंडलर, क्या कहलाता है, इवेंट हैंडलर। इसमें क्या करना है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, तो इंडेक्स वैल्यू जैसे बदलेगा वैसे मेरा ये पूरा चेंज होना चाहिए पैटर्न। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको बताते हैं, ये जैसे मैंने ऑन क्लिक लगा दिया है तो हमको ऊपर में क्या लिखना होगा, यूज क्लाइंट, नहीं भूलिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये वाला एरर आ जाएगा, अब नहीं आएगा, अब रिफ्रेश कर लेंगे तो नहीं आएगा। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट वाला तो काम करेगा, लेकिन नेक्स्ट बटन नहीं वर्क करेगा। मैं रिफ्रेश दोबारा करूंगा, देखिए इसमें नेक्स्ट बटन, अच्छा बटन तो लिखा मैंने, उसे बीच में कुछ लिखा दो नेक्स्ट कोर्स, और थोड़ा डिजाइन दे देते हैं ताकि थोड़ा देखने में समझ में आए, बीजी डैश लेटी 600, और उसके बाद PX3 PY2 राउंडेड, ये थोड़ा बटन के नहीं देख जैसा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, सॉरी टेक्स्ट वाइट कलर, और इसमें थोड़ा पेडिंग मार्जिन वगैरह देने की जरूरत है, तो हम यहाँ पे P M-4 लिख देते हैं, मार्जिन मिल जाएगा चारों साइड से, नोटिस करो यहाँ। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है कुछ बदल रहा है देखो, लेकिन इंडेक्स नंबर बदल रहा होगा, राइट, फंक्शन तो ठीक से काम कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं, इससे कुछ भी कॉम्पोनेंट में फर्क नहीं पड़ रहा, बट सच बात यह है कि इंडेक्स बदल रहा है,
बट उससे कोई री रेंडरिंग नहीं हो रहा है। री रेंडरिंग मतलब कि कंपोनेंट अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर रहा नया डेटा के साथ। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह बता से सुनो। यहाँ पे भी इसने किया है, ऐसा बनाया है एग्जाम्पल में। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बदल नहीं रहा है, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ दिखा देते हैं पब्लिक को कि कितने नंबर कोर्स में है अभी आप। हम भी ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो कोर्स स्लाइडर और उसके छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स नंबर प्लस वन, सही रहेगा। और उसके बाद ऑफ, सॉरी इसके बाहर निकल जाते हैं ऑफ, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट, डाटा भी बस आ ही रहा, कोर्स डाटा डॉट लेंथ, कोर्स डेटा डॉट लेंथ, समझ में आ गया। ये मुझे क्या दिखाएगा, मेरे पास थोड़ा टोटल कितना डेटा है, एक बार रिफ्रेश करके देखो। एक बार और, वन ऑफ थ्री। तो देखो ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली इसके साथ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या करना होगा, देखो क्या लिखा है इसे। द हैंडल क्लिक इवेंट अपडेट द लोकल वेरिएबल इंडेक्स, इंडेक्स वेरिएबल को ये अपडेट कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है। बट टू थिंग्स प्रिवेंट द चेंज ऑफ द विजिबिलिटी, दो चीजें ऐसी हैं जो इसको प्रिवेंट कर रही हैं, चेंज नहीं होने दे रही है। क्या है पहला रीजन, लोकल वेरिएबल्स डज नॉट प्रिसाइज बिटवीन द रेंडरिंग, मतलब अगर हम लोकल वेरिएबल बदलते हैं तो वो जो कॉम्पोनेंट है वो रिफ्रेश नहीं होता है। लोकल वेरिएबल बदलते हैं तो वो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, HTML और JSX का जो कोड है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो जो डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा तो डेटा नया वाला दिख नहीं रहा है। दूसरा वजह सुनो, जो भी हम लोकल वेरिएबल है उसे री रेंडर ट्रिगर नहीं होता है। दोनों चीजें एकदम सामने में रख लो। और हम लोग को ऐसा करने के लिए टू अपडेट अ कंपोनेंट विद अ न्यू डेटा टू थिंग्स नीड टू हैपन, दो चीजें होनी चाहिए। एक पहली चीज, या तो उसको रिटेन करेंगे नया डेटा के साथ, या फिर ट्रिगर करेंगे री रेंडरिंग, मतलब दोबारा डेटा को री रेंडर करेंगे। कैसे पॉसिबल होगा ये सुन लीजिए ध्यान से, पॉसिबल होगा यूज स्टेट नाम के कॉम्पोनेंट से, सॉरी हुक से। यूज स्टेट क्या है, एक हुक है, यूज स्टेट ऐसे लिखते हैं, पहचानना है कौन हुक है नहीं है। ऐसा देखो यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ था तो मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे नहीं इस पेज पे मैंने देखा था, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ था यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ। यू कैन ऐड स्टेट टू अ कॉम्पोनेंट यूजिंग यूज स्टेट हुक। हुक मैंने बता दिया आपको, एक स्पेशल फंक्शन है, बना बनाया हुआ फंक्शन है, बिल्ट इन है, पहले से फंक्शन है। क्या लिखा हुआ, हुक इज अ स्पेशल फंक्शन दैट लेट योर कॉम्पोनेंट यूज रिएक्ट फीचर्स, और इसका इस्तेमाल करके हम अगर हम बना रहे हैं स्टेट, अगर हम बना रहे हैं स्टेट और स्टेट में कुछ बदलाव करेंगे तो कॉम्पोनेंट अपने आप री रेंडर हो जाएगा, यानी रिफ्रेश हो जाएगा, तो हमारा रिफ्रेश डेटा दिखेगा। कैसे बनाते हैं उसको देखें, यह एग्जाम्पल देखो तुम्हारे सामने है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है कैसे ऐड करते हैं। एडिंग स्टेट वेरिएबल, नॉर्मल लोकल वेरिएबल नहीं डालना है, क्या डालना है, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल डालने का तरीका देखो, टू ऐड ए स्टेट वेरिएबल इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट एट द टॉप ऑफ द फाइल, यानी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है ये लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देना है, किसको, लेट इंडेक्स वाले को, किससे, इससे। क्या मतलब इस बात का, हम थोड़ा देख के समझा देते हैं। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपका स्टेट में बदलाव आए तो आपको ये वाला लोकल वेरिएबल नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है सुनिए, कॉन्स्ट बना दीजिए, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हैं इसको, कॉन्स्टेंट हो गया ये। इसके बाद आप एक बड़ी ब्रैकेट लीजिए और इसमें इंडेक्स जो वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, और उसको चेंज कराने के लिए एक फंक्शन होगा, इनकैप्सुलेशन सेट इंडेक्स नाम सेट इंडेक्स, इसका यूज स्टेट इस्तेमाल करना है, यानी हुक का इस्तेमाल करना है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हो, पहले शुरुआती वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो क्या हुआ, ये इंडेक्स के पास ये जीरो वैल्यू है, और ये सेट इंडेक्स क्या करेगा, उसके अंदर बदलाव कर सकता है। इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं सेटर फंक्शन, सेट कीवर्ड लगा हुआ आगे, सेट इंडेक्स एक फंक्शन है। ये क्या हुआ, डीस्ट्रक्चरिंग हुआ, यूज स्टेट से रिटर्न आया दो चीज, एक इंडेक्स पढ़ा था हम लोग, रिटर्न लाना, डीस्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे किसमें आया, लिस्ट में आया। ये बड़ी ब्रैकेट क्या, एरे है, एक इंडेक्स पहला वाला वेरिएबल और दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, सेटर फंक्शन होगा। सेटर फंक्शन का नाम क्या है, सेट इंडेक्स। ये जैसे अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे अपडेट नहीं करेंगे, इसको लगेंगे सेट इंडेक्स और जो पुराना इंडेक्स है प्लस वन। सेट इंडेक्स पास किया क्या, नया इंडेक्स पुराना इंडेक्स वैल्यू प्लस वन इंक्रीमेंट, सेम वही सब कुछ है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं आउटपुट, देखिए रिप्लेस, अब इसके आगे है ही नहीं, एरर ही आएगा। ये देखिए फिर से दोबारा देखिएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसके आगे नहीं है, तो ये अब इंडेक्स नॉट फाउंड हो गया ना, तो वो एरर आ गया।
मतलब उससे आगे का इंडेक्स है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे स्टेट डालें, आप जैसे इवेंट को सेटर फंक्शन से चलाएं, आपका काम हो गया, और आपका वो जो डेटा है वो चेंज, उसको आपको क्या करना है, सेट फंक्शन को लगाने से पहले आपको जैसे थोड़ा सा एक कंडीशन लगा देना है, इफ बाकी जावास्क्रिप्ट, इफ इंडेक्स सॉरी इफ कोर्स डेटा डॉट लेंथ ठीक है बराबर, नहीं ऐसे नहीं, इफ इंडेक्स लेस देन लेंथ तब ये अपडेट करो। तो सेफ्टी के लिए लगा दिए ताकि वो प्लस प्लस होते होते 3 से ऊपर ना चल जाए, और ऐसा कर देते कि अगर ऐसा हुआ तो वापस से इंडेक्स का वैल्यू सेट 0, ऐसे लॉजिक लगा दे सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जब 3 पे पहुंचेगा तो फिर चौथा की जगह पे 0 हो जाएगा। देखो एक बार चेक कर लो तो वो कहाँ गया, सॉरी मैंने रिमूव कर दिया, मेरा वो प्रोजेक्ट रन हो रहा था, जो दोबारा चला लेते। देखो लॉजिक देखो तो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा और फिर एरर, ये हो गया लॉजिक से गलती। ये लेंथ होता है टोटल वैल्यू, लेंथ -1 लिखना हो, गलती यही है, लेंथ -1, वापस रिफ्रेश करते हैं, लेंथ तक नहीं जाना, एक पीछे है 3 तक। अब चेक करो 2 3 1, अब ये सर्कुलेट कर रहा है तो ये अब एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इफ एल्स लगा दिया है कि जब 3 पे पहुंच जाओ तो वापस 0 इंडेक्स पे पहुंच जाना है। ठीक है, ये है डायनेमिक बनाने का तरीका। देखा आपने, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है और डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलो एक काउंटर बना के दिखाते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक काउंटर बनाने का एग्जाम्पल दूँ जिससे आपको और ज्यादा स्क्रिप्ट के ऊपर कमांड आना है, तो आपको लिखना है काउंटर डॉट जे एस एक्स। ठीक है, एक और कॉम्पोनेंट नाम काउंटर रखे थे पहले वाले एग्जाम्पल के लिए, उसी को दोबारा से कर रहे काउंटर। अब आप देखिए यहाँ पे काउंटर में इंटरेस्टिंग चीज, आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे बनाइए बटन। ठीक है, बटन का बी स्मॉल होगा क्योंकि बटन टैग एचटीएमएल वाला, क्लास नेम लगाइए और लिखिए बीजी डैश रेड टेक्स डैश वाइट PX3 PY2 और यहाँ पे माइनस का साइन, और इसमें लिख देते टेक्स डैश 2XL, साइज बड़ा कर देते हैं, और एक प्लस का साइन। ठीक है, और ये रेड है इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और जो बीच में एरिया है वहां पे बनाते हैं स्पैन स्पैन, और इसमें लगाते हैं क्लास नेम और PX3 PY2 टेक्स डैश 2XL। बाकी हमको टेक्स्ट में कैसे चाहिए, यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, 4 डाल देते हैं। अब ये काउंटर है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा पेज डॉट जेएस है, इसमें हम लोग को इसका काम नहीं है, स्लाइडर समझ में आ गया। हम यहाँ पे काउंटर को कॉल कर रहे हैं, काउंटर काउंटर, ये कंपोनेंट कॉल हो गया, वो कंपोनेंट का काम खत्म हो गया। रिफ्रेश करके देखो पेज में क्या आता है, 2 बटन बीच में टेक्स्ट, ठीक है आया। अब मैं यहाँ पर इसको इसको जब काउंटर बना रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो ये इसका वैल्यू बढ़े और माइनस पे क्लिक करूँ तो घटे। तो ऐसा करने के लिए हमको ये कंपोनेंट को अपडेट कराना होगा लगातार, यानी यहाँ स्टेट की जरूरत है और इवेंट की जरूरत, ऑन क्लिक की जरूरत है। तो ये दोनों चीज को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो कंपोनेंट के पास जाते हैं, कंपोनेंट के पास पहुंचे, यहाँ पे आने के बाद कहा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कौन सा हैंडल प्लस मान लो उसका नाम रखा, हैंडल प्लस या ऑन क्लिक पे डायरेक्ट सेटर फंक्शन यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, इसका नाम लिखा काउंट, इसका नाम काउंट सॉरी काउंट वेरिएबल का नाम, ओहो वेरिएबल का नाम, और सेट काउंट उसका सेटर फंक्शन का नाम, यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है, ये रिएक्ट से इंपोर्ट होता है, ध्यान रखना रिएक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात नहीं भूलना, वो ये है कि आपको ऊपर में यूज क्लाइंट लगाना हो, नहीं तो ये सब काम नहीं करेगा। यूज क्लाइंट, अब इसको यूज करो, कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत हो रहा है, कॉन्स्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो सेटअप फंक्शन में यहाँ पे लगा रहे, डायरेक्ट सेटअप फंक्शन लगा रहे सेट काउंट, और हम कहा कि जो काउंट का वैल्यू है उसमें प्लस वन, जो काउंट का वैल्यू उसमें प्लस वन, और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक सेट काउंट सेटअप फंक्शन, काउंट का वैल्यू है उसमें -1, और बीच में जो 4 जहां लिखा हुआ वहां पे जावास्क्रिप्ट घुसा के जो काउंट है वही। ठीक है, चेक करो रिफ्रेश, रीरेंडरिंग इनफिनाइट लूप क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ ये हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा
एरर फंक्शन में ऐसे तो इसका एरर नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका एरर होना चाहिए। ठीक है, री रेंडर बार बार हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको एरो फंक्शन में डाल देता हूँ ताकि ये अपने आप क्लिक ना हो जाए, अपने आप नहीं चलने। तो मैं इसको एरो खाली लगा देता हूँ, ये बॉडी का पार्ट हो गया इसका। तो सिंपल सिंटेक्स से काम निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो सॉफ्ट सेफ हो गया, अब मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, 2 3 4, और ये वाला देखो, तो पता है क्या चला, इसका अपना एक मेमोरी हो गया जो याद रख रहा है कि तुम 6 पे हो। प्रूफ करें, प्रूफ कर देते हैं। देखो ये एक बार बना है तो एक एक अलग काम कर रहा है, अगर ये काउंटर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो क्या सबका मेमोरी अलग अलग होगा? हाँ, सबका मेमोरी अलग अलग होगा, यानी जितना भी अभी बॉक्सेस आएंगे सबको तुम देखोगे, अलग अलग नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार प्लस करेंगे तो दूसरे में चेंज नहीं आएगा। देखो सिर्फ इसका हुआ, बना तो कॉम्पोनेंट एक ही, तो ये मेमोरी ऑफ द कॉम्पोनेंट होता है। देखो सबका अलग अलग, यानी सबको अपना अपना नंबर याद है, यानी एवरी कंपोनेंट हैव अ ब्रेन। ठीक है, वो ब्रेन जो है वो आपका स्टेट है, वही स्टेट है, एक अवस्था है जिसको याद रखेगा, आप जिस सिचुएशन में उसको रख दीजिएगा उस सिचुएशन में रह सकता है। प्रूफ के लिए ये वाला कंपोनेंट आपका प्रैक्टिस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।